पीएम मोदी आज से शुरू करेंगे चुनावी अभियान। आज मेरठ, रुद्रपुर और जम्मू में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारत के मिशन शक्ति पर राजनीति, मोदी ने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। विपक्षी दलों ने इसकी टाइमिंग को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एसैट को लेकर किया पीएम मोदी पर तंज, मोदी की घोषणा को थिएटर ड्रामा से जोड़ा। सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया खेदजनक। जेटली ने कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के पास आज अपनी गलती सुधारने का मौका था, लेकिन विपक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर भी राजनीति कर रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को मिशन शक्ति के लिए बधाई दी। गडकरी ने कहा विश्व भारत की अंतरिक्ष शक्ति जान गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा अंतरिक्ष में कामयाबी से पृथ्वी के कुछ लोगों को चोट लगी। बुधवार को भारत ने एंटी सैटेलाइट मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता हासिल की। डीआरडीओ के पूर्व चीफ वी के सारस्वत ने कहा यूपीए सरकार से इस परीक्षण के लिए मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने अनुमति नहीं दी। मिशन शक्ति पर पीएम मोदी के देशवासियों को संबोधित करने की जांच करेगा चुनाव आयोग। भाषण आचार संहिता का उल्लंघन या नहीं करेगा विचार। चुनाव आयोग ने पीएम के भाषण की जांच के लिए कमेटी बनाई। चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना होंगे इस कमेटी के हेड। बुधवार को अमेठी पहुंची प्रियंका का महिलाओं ने किया विरोध, 5 साल बाद आने पर की प्रियंका के खिलाफ नारेबाजी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल ध्यान पार्टी के लिए काम करने पर। भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, दोनों के चुनाव लड़ने की अटकलें। भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार निरहुआ और रवि किशन ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, दोनों के चुनाव लड़ने की अटकलें। आज कांग्रेस में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। एसपी नेता आजम खान ने उठाए एयर स्ट्राइक पर सवाल, कहा पड़ोसी मुल्क में 400 मारे गए लेकिन किसी का जनाजा नहीं हुआ। आजम ने कहा अगर वो पीएम होते तो पुलवामा हमले के बाद इंतजार नहीं करते, 40 सेकंड के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर देते। आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, बिहार, राजस्थान और गुजरात के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। तृणमूल का घोषणा पत्र जारी, ममता ने कहा नई सरकार आई तो नोटबंदी मामले की जांच होगी। ममता ने पीएम मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की, कहा तुगलक की तरह योजना आयोग खत्म किया, हम जीते तो फिर से बनाएंगे आयोग। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा टीएमसी के मैनिफेस्टो में दम नहीं, ममता के पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली में प्रधानमंत्री की 4 सभा रखने का अनुरोध किया, रैली के लिए जगहों का भी चुनाव हुआ। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक 52 शिकायतें दर्ज, सबसे ज्यादा 9 शिकायतें आम आदमी पार्टी के खिलाफ, 6 बीजेपी के खिलाफ। मैं भी चौकीदार मुहिम पर बीजेपी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 3 दिनों में मांगा जवाब, वीडियो में सेना के जवानों को दिखाने पर आपत्ति। होशंगाबाद की 86 वर्षीय महिला ने किया पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान का समर्थन, पीएम मोदी ने रीट्वीट किया वीडियो। शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए, ऑपरेशन जारी। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन, कुलगाम में भी 2-3 आतंकियों के छिपे होने का शक, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। अयोध्या में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी के शाहजहांपुर में डंपर से कुचलकर युवक की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, हाईवे पर घंटों जाम लगाए रखा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने अखिलेश को पत्र लिखकर दिया जवाब, कहा राज्यपाल पर बीजेपी के प्रचार का आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना। यूपी के हरदोई से टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अंशुल वर्मा, कहा दलित होने की वजह से टिकट कटा। बीजेपी के सांसद कलराज मिश्र ने प्रयागराज में विशेष कोर्ट में सरेंडर किया, जमानत मिली, 2009 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।
बलिया से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद भरत सिंह ने अपनाया बगावती तेवर, पार्टी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह पर लगाया अवैध खनन का आरोप। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग छात्रा से अपहरण के बाद दरिंदगी की वारदात, पीड़ित के ही स्कूल में पढ़ने वाले 4 छात्रों पर गैंगरेप का आरोप, एक घर में बंद कर हुए फरार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की आज अधिसूचना जारी होगी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू, 23 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कट सकता है टिकट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिए संकेत, कहा ताई हमारी सीनियर नेता, जो भी फैसला होगा उनकी सहमति से होगा। एमपी में बीजेपी ने अब तक नहीं किया सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान, नेताओं की दावेदारी जारी, बीजेपी दफ्तर पहुंचे कई नेता, समर्थकों की जमकर नारेबाजी। एमपी के खंडवा में पुलिसकर्मी बनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जीआरपी ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए बरामद। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता की हो सकती है गिरफ्तारी, 50 करोड़ के डीकेएस घोटाले में बयान नहीं कराया दर्ज। बिहार महागठबंधन में खींचतान जारी, कई सीटों पर नई दावेदारी, आरएलएसपी के खाते की काराकाट सीट पर कांग्रेस ने जताया हक, तो मधेपुरा से पप्पू यादव की दावेदारी, आरजेडी को नागवार। बिहार की नालंदा सीट को कांग्रेस कोटे में शामिल कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने पटना में की नारेबाजी, कार्यकर्ता काफी देर तक धरने पर भी बैठे रहे। जयपुर में चुनाव आयोग की सख्ती, कहा सोशल मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य। राजस्थान में चुनाव प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन रोक दिया गया, जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप यादव ने सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किया। जयपुर में पीएम मोदी की बायोपिक मूवी रोकने की मांग, कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने सीईओ आनंद कुमार के नाम ज्ञापन दिया। राजस्थान के बूंदी में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इनमें 2 महिलाएं भी शामिल, 3 साल पहले हुई थी हत्या। राजस्थान बीजेपी आज से 2 दिन तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र लोगों को बांटेंगे। जोधपुर के कुड़ी इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने से नाराज पड़ोसी ने एक शख्स पर चाकू से हमला किया, पीड़ित के घर लगे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अंगारों पर नंगे पैर चले लोग, मनचाही मुराद पूरी होने के लिए अंगारों पर चलते हैं श्रद्धालु। गोवा के डिप्टी सीएम सुदीन धवालिकर को पद से हटाया गया, सीएम प्रमोद सावंत ने हटाने की सिफारिश की थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद अब तक सबसे ज्यादा कैश आंध्र प्रदेश से बरामद, आंध्र से करीब 63 करोड़ रुपए बरामद। पंजाब में आचार संहिता लगने के बाद अब तक करीब 86 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद, 19 मई को है पंजाब में मतदान। ऊना में चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए की पहल, 100 साल के वोटरों को बनाया जाएगा रोल मॉडल, ऊना में 1 से 3 शतायु मतदाता मौजूद। दिल्ली के करोल बाग में 4 कारों में लगी आग, स्थानीय लोगों ने लगाया फायर टेंडर्स के देर से पहुंचने का आरोप। भारी बर्फबारी की वजह से हेमकुंड यात्रा में देरी, सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी है बर्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बड़ा एवलांच, अभी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इमरान ने दावा किया, भारत के डर की वजह से जैश पर कार्रवाई नहीं की बल्कि अपने हितों के लिए की। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान ने फिर सबूतों का राग अलापा, भारत से हमले के और सबूत मांगे। पीएम मोदी फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह और एक्टर विवेक ओबेरॉय आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे, आचार संहिता उल्लंघन मामले में इन्हें नोटिस मिला। मुंबई पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस आरती सक्सेना को गिरफ्तार किया, आरती पर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी का आरोप।